ये रंभापुरा है। इस गांव की रानी मालिनी देवी हैं। इनको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा अहंकार है। अहंकार में रावण की बहन और धन के मामले में कुबेर की बेटी। इनकी बात पत्थर की लकीर है। ये अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाने का निर्णय सदियों पहले जिस तरह से राजा महाराजा करते थे वैसे ही स्वयंवर रखा हुआ है, जहां स्वयंवर के लिए आस पड़ोस अमीर घराने के बहुत सारे लड़के भी आए हुए हैं। आ गई, आ गई। वो देखो, वो आ गई। ए, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अरे चलो जल्दी। आ गई, आ गई। इस स्वयंवर में आए सभी उम्मीदवार जरा ध्यान से सुने। ये है मेरी बहन महारानी मालिनी देवी। इनकी बेटी के स्वयंवर के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। इन्होंने जो अभी आप सबकी पहली परीक्षा ली उसमें आप सभी पास हो गए। क्या बात है, क्या बात है। एक औरत तकलीफ में है ये बात पता चलने के बाद उसे बचाने के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए मानना पड़ेगा। आ, मम्मी वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको गेट पास। अच्छा ठीक है। आहा, इस उम्र में ही ऐसी है तो इसने अपनी जवानी में कितने लोगों को पागल किया होगा। पहले से ही सपने में आकर तकलीफ दे रही है तो फिर इसकी बेटी कैसी होगी क्या मालूम। मैं पहले से डरा बैठा हूँ, तुम और डरा रहे हो मुझे। सर फोन। हेलो। हेलो, रानी स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड नाइट मैडम। नहीं नहीं, गुड इवनिंग मैडम। आज कॉलेज हम कब शुरू करें मैडम? आज कॉलेज शाम को 5 बजे स्टार्ट करना। ओके मैडम, ठीक 5 बजे ही शुरू होगा कॉलेज। आए हाय, क्या होटे उसके, काश मैं उसका लिपस्टिक होता। क्या चीज है यार, सबकी नींद उड़ा दी है। अगर लड़की पटाना हो तो ऐसी ही पटाना चाहिए। हर दिन इसे देखते हैं फिर भी इसके पीछे ही मर रहे हैं। कितने लड़कों की नींद चुराई है इसने पता नहीं। सच में रियल ब्यूटी है यार। आइए मैडम, आइए इधर से बैठिए। मैडम आर यू कंफर्टेबल हियर? इस तरफ बहुत गर्मी लग रही है। कूलर ऑन करो। कूलर ऑन सर। पीने के लिए कुछ चाहिए? कोल्ड ड्रिंक, हॉर्लिक्स या फिर जूस? फिलहाल के लिए हॉर्लिक्स दे दो। ओके, हॉर्लिक्स चम्मच दो। मैडम फोन। हेलो। ओ हाय मम्मी, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? I'm superb, mommy. Good. देखो बेटी, लड़कियों का फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर। 36, 26, 36 ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए। हजारों लोगों की भीड़ में एक सिर्फ तू ही नजर आनी चाहिए बेटी। सबकी नजर तुम पर ही टिकी होनी चाहिए। तुझे देखने के बाद लोग मर जाने चाहिए। I know, mama. I'm your daughter, you know. That's like a good girl. Mwah!
इस मालिनी देवी की बेटी हर प्रकार की साड़ी पहनकर, जेवर पहनकर सारे लड़कों के सामने बेइज्जत होना। क्या बेटी, तुझे कॉफी बनानी आती है? गाना गाना आता है? खाना बनाना आता है क्या? ऐसे उनके फालतू सवालों का जवाब मेरी बेटी कभी नहीं देगी। अमृत महल, इस मालिनी देवी की बेटी का हाथ पकड़ने वाला लड़का बहुत पुण्यवान होगा। जब तक सास है तब तक मेरी बेटी का पल्लू पकड़कर घूमने वाला घर जमाई चाहिए। ऐसे ही किसी लड़के को बहुत सारी धन दौलत देने के लिए हमने ये स्वयंवर रचाया है। राजमोहन, राजमोहन, राजमोहन। इस शुभ अवसर पर मैंने, तुमने, हम सब ने हिस्सा लिया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतना ही नहीं, ऐसे मौके पर कैसे बात करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं आ रहा है। नसीब हमारे हाथ में नहीं, ऊपर जो है उसके हाथ में है। इधर स्वयंवर चल रहा, ऐसी मुझे खबर मिली है। अपना नसीब देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। मैं करोड़ों में एक हूँ, यजमान हूँ, सिम्हाद्री का सिंह हूँ, दिल जीतने वाला, क्योंकि मेरी स्टाइल अलग है बिल्कुल, और मैं सबसे हटके हूँ। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप यहाँ अपना नसीब आजमाने आए हैं और मैं भी यहाँ पर अपना नसीब आजमाने ही आया हूँ। हमारा नसीब किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है। गॉड इज ग्रेट, आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट, ओके। हमें वो ओरिजिनल चाहिए, तुम्हारे तरह मिमिक्री करने वाला नहीं। इन्हें ले जाकर गांधीनगर में चल रहे सर्कस में भर्ती करवा दो। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सी है? जन्म देने वाली माँ? नहीं, वो है सासू माँ। नेक्स्ट। 100-200 लोगों से संपर्क करना है तो तुम क्या करोगे? दोस्ती बढ़ाऊंगा। नहीं, पैसा, पैसा कमाना चाहिए। नेक्स्ट। जिंदगी में इंसान को आराम से जीने के लिए क्या करना चाहिए? पैसा, पैसा कमाना चाहिए। नहीं, बीवी का प्यार कमाना चाहिए। नेक्स्ट। हेलो, कौन है? मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? 5 o'clock। 5 PM? क्या PM नहीं, AM। What? 5 AM को कॉल कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग है, आज अर्ली मॉर्निंग 6 बजे कॉलेज स्टार्ट होगा। What? मेरी परमिशन के बिना टाइम फिक्स करने वाले तुम कौन होते हो? I am the principal of the college. सुबह चुपचाप कॉलेज आना पड़ेगा, नहीं तो I will remove you from this college. Understand? Hello? Yes. Okay. Fine. Fine. Hey, किसे पूछकर सुबह तुमने कॉलेज 6 बजे स्टार्ट किया? Stop it. Huh? I am the principal of this college. After all, you are a student. तुम्हें किसने अंदर आने की परमिशन दी यहाँ पे? What? मेरे ही कॉलेज में मुझे आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? सर, 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 मेरे परमिशन के बगैर ये अंदर आई है, इससे आप क्या बात कर रहे हैं? इसे बाहर भेजिए सर। You idiot! Hey! साल में एक बार कॉलेज मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। दानी लोग किसी को भी गोद ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्या इसे तुमने अपनी लाइफ टाइम प्रॉपर्टी समझ रखी है? आज से इस कॉलेज के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। No, no, no! एक महान दानी ने इस कॉलेज को अडॉप्ट कर लिया है। कौन? Who's he? राजा युवराज, शिवराज, सन ऑफ रणधीर कट्टी फ्रॉम लंदन। राजा भाई की जय। राजा भाई की जय। राजा
थैंक यू सर। दोस्तों, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन हमेशा भारतीय बनकर रहो। मेरे डैडी लंदन में रहकर भी हर दिन और हर पल मुझसे ऐसा कहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, कारण गरीबी था, और वो गरीबी पढ़ाई के बीच में ना आया, उस उद्देश्य को लेकर इस कॉलेज को गोद लेने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं भी आप लोगों में ही रहना पसंद करूंगा। सभी को ठीक से पढ़ाई करके विश्व में भारत का नाम रोशन करना है, ये मेरे डैडी की इच्छा है। गुरु की इज्जत करनी चाहिए, उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, तभी विद्यार्थी का जीवन सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। इस कॉलेज में आपकी वजह से जान आ गई है सर। कौन है ये? इस कॉलेज की एक्स ट्रस्टी। ये है डिजास्टर। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट गो अराउंड द कॉलेज एंड कम। यस सर। ओके, चलो सर, बेल बजाओ क्या? हेलो, रातों रात मेरे कॉलेज को ऐसे अडॉप्ट करके जो लोग हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझकर फॉलो करते थे, उन सबको तुमने मेरे अगेंस्ट कर दिया है। ये सब करके तुमने मेरा अपमान किया है। मेरे बारे में तुम नहीं जानते, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुम्हें नहीं पता। आखिर मुझे समझ क्या रखा है तुमने? इस कॉलेज की रानी हूँ मैं, डॉटर ऑफ मालिनी देवी, अमृत महल, उर्वशी निल्या, रंभापुर, पिन कोड 561234। वेट 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 वेट, हे, तुम कौन हो ये बताने के लिए तुम्हारी मम्मी का नाम, गांव का नाम, घर का नाम, पिन कोड भी तुम्हें बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ और क्या हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनसे ही पूछ लो। हाँ, तुम्हारी कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, पर मेरी पर्सनालिटी के सामने तुम कुछ नहीं। हाँ, जब ये रानी चलती है ना, पूरा कॉलेज इसके पीछे पीछे आता है। मेरे स्टाइल पर लोग मरते हैं, लोगों की नींद हराम हो जाती है, नींद में भी करवटे बदलते हैं, और जब मैं रोड पर आती हूँ ना, तब ट्रैफिक जाम। तुम क्या बीट कांस्टेबल हो? नहीं, बी फॉर ब्यूटी, स्वीटी की ब्यूटी, मैं हूँ सो क्यूटी, ब्यूटी क्वीन। इस रानी के सामने सिर ना झुकाए ऐसा कोई मर्द नहीं है, और आज नहीं तो कल तुम भी मेरी ब्यूटी पर फिदा होकर, रानी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसा कहकर मेरे सामने प्यार की भीख मांगोगे। इट्स माय चैलेंज। व्हाट एन इमेजिनेशन। लड़कियों में कोलेस्ट्रॉल होता है ये तो पता था, लेकिन पार्ट पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है ये तुम्हें देखकर पता चल रहा है। चार पांच बेवकूफ लड़कों के सपने में आ गई, इसलिए क्या तुम खुद को प्रिंसेस डायना, क्वीन एलिजाबेथ, सैमंथा फॉक्स समझती हो? आफ्टर ऑल, पिन कोड के साथ एड्रेस बताने वाली तुम्हें इतने इमेजिनेशन हो सकते हैं, तो लंदन में बड़ा हुआ मैं, मेरे कितने इमेजिनेशन हो सकते हैं? क्या बोला तुमने? तुम्हारी ब्यूटी से आउट होकर तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, यही कहा ना तुमने? इसके उल्टा तुम मेरे पीछे घूमोगी। राजा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं पाऊंगी, अगर ऐसा तुम्हारे मुंह से नहीं कहलवाया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। एंड दैट्स अ चैलेंज। मामा, मम्मी हमेशा अपनी बेटी के स्वयंवर के बारे में ही सोचती है, लेकिन इस घर का वारिस तो मैं भी हूँ ना, वंश आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी शादी के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा। भांजे, अगर तू भी लड़की पैदा होता ना, तो इससे भी अच्छे तरीके से तेरी शादी करवा दी जाती, पता है? मैं क्या करूँ यदि मैं लड़का हूँ तो? अभी भी समय गया नहीं है, एक काम कर, फौरन जा और जाके ऑपरेशन करवा। कैसा ऑपरेशन? जेंडर चेंज। उस पर पैसा क्यों खर्च करना? सुना क्या बोल रही है? देखो भैया, जरा इसका हुलिया तो देखो, अगर इसे कोई देखेगा तो कोई कहेगा क्या कि ये मालिनी देवी का बेटा है? कूली कूली की तरह दिखता है ये, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। अगर मुझे पढ़ाते तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम जी के लेवल तक पहुंच जाता। हाँ जे, मत बोल, थोड़ा लेवल कम कर दे। तुझे अगर फॉरेन ले जाके पढ़ाया भी जाए तो भी तू बड़ा लॉयर या साइंटिस्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिखने वाला। फिर कैसा दिखूंगा? अरे तू दिखेगा एकदम इंग्लिश मीडियम की सड़ी हुई चप्पल। तूने सिनेमा हॉल के बाहर कभी किसी सोडा बेचने वाले को देखा? वैसा दिखेगा। मामा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कौन मैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो। अगर सुना, मेरा वंश आगे बढ़ाएगी, मेरा नाम रोशन करेगी, वो मेरी बेटी रानी है।
क्या पर्सनालिटी है उसकी, कितनी ग्लैमरस है वो, क्या लेवल है उसका। देखा, वो मेरी बहन की जीरोक्स कॉपी है। जब ब्रह्मा अच्छे मूड में थे तब उन्होंने उसे रचा था। पर आपको इस तरह नमूना क्यों पैदा किया? क्यों रे, मेरे अंदर क्या कमी, बोल क्या कमी है? सब कुछ कम है। ब्रह्मा जी ने जब अपनी बीवी से झगड़ा किया होगा, उसके पास जो आसपास की मिट्टी बची होगी उसे तुमको बनाया होगा। हाँ जी, हाँ। मेरी वीकनेस क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है, और इसकी वजह से ही मैंने शादी नहीं की आज तक, कि मैं मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी बहन के लिए और अपनी बहन के बच्चे रानी और तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दूं, और ठीक वैसे ही तुझे भी रानी की शादी के बाद उसके बच्चों का लालन पालन करना है, उसकी चाकरी करनी है और उसके साथ रहकर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी है। हिस्ट्री रिपीट। मतलब मरते दम तक मुझे ये काम करना पड़ेगा? इससे अच्छा काम तुझे और कहाँ मिलेगा रे। क्या लग रही है यार? हाँ, अरे उसके होंठ देख, संतरे की तरह, गाल कश्मीरी एप्पल की तरह। मन तो यही कर रहा है कि काट के खा जाओ यार, मजा आ जाएगा, कितना मीठा होगा कसम से। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। एक्सक्यूज मी, कैसे इंसान हो तुम? रोमांस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी खूबसूरत फूल को देखकर लोग तारीफ करते हैं, वाह कितना खूबसूरत फूल है। एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखकर लोग कहते हैं, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। और यहाँ के सारे लड़के मुझे देखकर कहते हैं, वाह क्या गजब की खूबसूरती है। अगर ये मेरे हाथ लग गई ना, तो इसे जिंदगी पर बैठा कर प्यार ही करता रहूंगा। अगर इसने हाँ कह दिया तो इसके घर का वॉचमैन बनकर ही रह लूंगा। पता है यहाँ के सारे लड़के मरते हैं मुझ पर। एक लड़की को और क्या चाहिए कि लड़की उस पर जान लुटा दे। अगर ये तारीफ कर रहे हैं तो बताओ इसमें गलती क्या है। असली मर्द तारीफ करते हैं और ताकत वाले जलते हैं, क्योंकि उनके पास दिल नहीं होता। अच्छा खासा मजा ले रही थी, सब कुछ खराब कर दिया। टेस्टलेस फेलो। हाय बॉय, देखो तुम जैसे खूबसूरती की कद्र करने वाले लोगों को अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो इस खूबसूरती का क्या फायदा। तो तुम्हें जहाँ जहाँ चोट लगी होगी मैं वहाँ किस करूँगी। लेकिन मुझे टच किए बिना ही लेना होगा। ये लोग क्या किस करेंगे बेचारे, आधे हैंडीकैप हो चुके हैं। मैं करूंगा किस बिना टच किए। Nobody can touch me. I can touch you. Impossible. Everything is possible to me. Hey. फुटपाथ पर बहुत सारी हीरोइंस की फोटोज बिकती हैं। उसे खरीद कर किस कर लोगे तो हो जाएगा। वो और ये सिर्फ फोटोज हैं, मैं नहीं हूँ। Nobody can touch me. That is Rani. ओहो, ऐसा है क्या? Just wait and watch. देखो कि कौन किसे टच करेगा। इन्होंने कहा था nobody can touch me, और अभी तो यही टच कर रही हैं। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरी फोटो है। सिर्फ फोटो ही तो है ना, तुम तो नहीं हो ना? Why do you bother? Come on boys. Stop it, no. तो फिर हार मान लोगी क्या? No. No? Come on guys. Hey, stop it. Okay, just stop it. So you are lost. वो कुछ तो कहा था ना कि टच करोगे तो कुछ तो दोगी, दे दो। अरे दो, ठीक है छोड़। ओके। कम ऑन, लुक स्ट्रेट, कम ऑन, नजदीक आओ, ऊपर, यू आर कमिंग, या पता नहीं पर आज मूड नहीं है,
मूड बनेगा तो मांग लूंगा ओके बॉयज यू कैन गो नाउ ओके चलो भाई आज कंप्यूटर के जरिए तुम्हारे कपड़े उतारे कल तुमसे खुद तुम्हारे हाथों से तुम्हारे कपड़े उतरवाऊंगा बाद में बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा कम ऑन बॉयज आज कंप्यूटर के जरिए तुम्हारे कपड़े उतारे कल तुम्हारे खुद के हाथों से तुम्हारे कपड़े उतरवाऊंगा बाद में बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा हेलो हाय डार्लिंग हू स्पीकिंग इतनी जल्दी भूल गई मैं हूँ राजा तुमने फोन क्यों किया ए आराम से मुझे सुनाई देता है मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है क्या है कल रात को तुम्हारे बेडरूम में आया था इम्पॉसिबल मेरे बेडरूम में मेरी परमिशन के बिना एक चींटी भी नहीं आ सकती चींटी नहीं आ सकती लेकिन हीरो तो आ सकता है ना मैं आया था उसका आई विटनेस भी है What? रानी सभी लोगों ने ऊपर से देखा होगा लेकिन अंदर कोई देख सकता है क्या नहीं ना तुमने देखा पता नहीं लेकिन मैंने जो देखा है ना वो मैं अभी बताता हूँ लेकिन किसी को भी वो सुनना नहीं चाहिए हाँ क्या बिलीव नहीं करियो इफ यू वांट चेक इट अप शट अप यू स्टूपिड हेलो हाय रानी चेक किया क्या झूठ तुमने जो भी कहा सब झूठ है एक भी दिल नहीं है मुझे पता है सब झूठ है देखा ना कितने आसानी से तुम्हारे हाथों से तुम्हारे कपड़े उतरवा दिए यू लायर हाँ रानी 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 डोंट गेट एक्साइटेड अभी तुम जिस कंडीशन में हो उसे तुम्हारे बेडरूम ने बेडरूम की लाइट ने बेडशीट ने फैन और एसी ने ये आराम से देखा होगा नेक्स्ट ये आंखें बोलेंगी नहीं देखेंगी तू अपनी आंखों से मेरा शरीर ही नहीं ये दुनिया भी नहीं देख पाएगा अभी तुम जिस कंडीशन में हो ना उससे तुम्हारे बेडरूम ने बेडरूम की लाइट ने बेडशीट ने फैन और एसी ने बिल्कुल देखा होगा नेक्स्ट आंखें बोलेंगी नहीं देखेंगी रामू हाँ एक कोल्ड ड्रिंक देना देता हूँ Okay guys, bye. See you later. Okay. Bye. Bye. सर दोबारा इस कॉलेज में ऐसा ना हो इसके लिए हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए डॉक्टर राजा कैसा है ही इज वेरी लकी एसिड डाइल्यूटेड था इसीलिए चेहरे को कुछ नहीं हुआ लेकिन आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं इसीलिए ऊपर के भाग में थोड़ा इफेक्ट हुआ है अगले 2-3 महीने तक ही विल नॉट बी एबल टू सी वो अपना खुद का काम भी नहीं कर पाएगा जब तक वो ठीक ना हो जाए किसी को उसका ध्यान रखना पड़ेगा ओके डॉक्टर हम अभी उसे मिल सकते हैं क्या ओह श्योर थैंक यू डॉक्टर थैंक यू सर इट्स ओके राजा राजा ये सब किसने किया प्लीज बताओ आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम सर वो कौन है अगर आप मुझे बताएंगे तो पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और उसे उसकी सजा दिलवाऊंगा मैं एक्सक्यूज मी सर
सर, मुझे एक मिनट के लिए राजा से अकेले में बात करनी है। राजा? ओके सर। राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। अब बात इतनी सीरियस हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। पुलिस आकर मुझे लेकर जाएगी और मुझे जेल में डाल देगी, तो मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी। I'm sorry. हाँ, excuse me. Hello. राजा। Dad. तुम्हें कल अर्जेंटली लंदन आना पड़ेगा। यहाँ पर कई अग्रीमेंट्स पर तुम्हें साइन करना है, बहुत अर्जेंट है। कल क्या? सॉरी डैड, कॉलेज सेटल करने के लिए और 3 महीने चाहिए, 3 महीनों के बाद आऊंगा। ठीक है, तो उन पेपर्स के साथ लॉयर को वहीं भेज दूं क्या? ओह माय गॉड, नहीं डैड, वो मैंने कहा ना मैं 3 महीने के बाद आ जाऊंगा, प्लीज। ओके ओके, अपनी सेहत का ख्याल रखना। मेरी सेहत का क्या है डैड, मैं ठीक से हूँ। बाय राजा। बाय डैड। भूपति राजा, भूपति राजा, भूपति राजा। हेलो मिस्टर मैजिक, रुमाल से अंडा बनाना, अंडे से रुमाल बनाना तो हर कोई कर सकता है। अगर तुम्हें सचमुच का मैजिक आता है तो मेरे साथ कुछ करके दिखाओ। बहन, इससे अगर हमारी रानी की शादी करवा दी ना, तो पीसी सरकार ने जैसे ट्रेन गायब की थी, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत से ये राजमहल बनाया है, इसे गायब करके मुझे बंदर, तुम्हें डॉगी और इसे नेवला बना देगा और सिटी मार्केट में बोलेगा खेल देखिए, खेल देखिए, खेल देखिए, ऐसा खेल जो देखा ना हो। ए, हमें जो चाहिए वो तुम्हारी तरह मैजिक मैन नहीं, ओनली लॉजिक मैन चाहिए। आउट। रवि तेजा, रवि तेजा, रवि तेजा। मर्द और औरत में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। औरत के बिना मर्द नहीं है, मर्द के बिना औरत नहीं है। इतना सब पता होने के बाद भी हम उन्हें गलत नजर से क्यों देखते हैं? उसकी बनाई हुई औरत ब्रह्मा के पैरों में समाई है, उसकी बनाई हुई औरत शिवा के सिर में समाई है, उसकी बनाई हुई औरत ने विष्णु के कवच की शोभा बढ़ाई है, और इसी वजह से औरत अनमोल है, औरत ही शक्ति है और औरत ही सब कुछ है। नगमा, अब वो सब्जी लेने के लिए मार्केट गई है। अरे सिमरन, उसका लूज मोशन हो गया है, वो डॉक्टर के पास गई है। कोई नहीं है क्या? क्यों, क्या हो गया? टैंक में पानी खत्म हो गया है, वाटर स्विच ऑन करना होगा। हाँ ठीक है। अरे लाइट चली गई। अरे रे रे रे, अब क्या करूं? बकेट में पानी भर के लाऊं क्या? तुम नहीं नहीं नहीं, जिसकी आंख नहीं है वो किसी काम का नहीं होता, ऐसा सुना था, लेकिन आज वो देख भी रहा हूँ। छी, मैंने उस वजह से नहीं कहा, तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? ठीक है, लेकर आओ। थैंक यू। इसके लिए क्या थैंक्स, तुमने मेरी कितनी सेवा की है। 5 मिनट की नहा कर आती हूँ। 5 मिनट क्या, 5 घंटे नहाओ, नो प्रॉब्लम। तुम बाहर जाओ ना। मैं बाहर रहूँ या अंदर रहूँ, जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया ना। काम मतलब? हाँ?
वो तुम्हें याद है ना, इन्हीं आंखों से तो मैं देखूंगा, ऐसा कहा था ना, आज देख लिया। भगवान, क्या मतलब तुम्हारी आंखें? मेरी आंखों को क्या हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास है। ये लो। यू चीट। अरे 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 अरे, अरे टॉवल संभालो। मुझे चैलेंज करोगे? हाँ, मैं अपने दुश्मनों पर हमेशा नजर रखता हूँ, उनके सारे मोमेंट्स वॉच करता हूँ। तुम्हारा लैब में जाना, एसिड लेकर आना, इन सारी बातों को देखकर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा यही सोच रहा था। उसी वक्त तुम बॉटल को वहीं छोड़कर ओपनर लाने के लिए गई, तब मैंने क्या किया पता है? एसिड बॉटल से एसिड निकालकर उसमें हॉट वाटर डाल दिया, ये ऐसे। यस मी। तुमने खुद ब खुद मौका दिया, मैंने उसका फायदा उठा लिया। आहा, क्या सेवा करती हो तुम, शादी के बाद पत्नी पति की जिस तरह से सेवा करती है, वो सब ब्रश करवाना, नहलाना, खाना खिलाना, चाय पिलाना, I really enjoyed it। और एक बात बताएगा तुम्हें, सभी नौकरों को घर से बाहर भेजकर पानी बंद करने वाला मैं ही था। Nobody can touch me, ऐसा कहा था ना तुमने, और अब मैंने तुम्हें कंप्लीट टच किया है। अब तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया होगा ना रानी? जिंदगी में एक औरत को ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग देखते हैं, पहला जन्म देने वाली माँ और दूसरा वेरी सिंपल पति। अब मैं तो जन्म देने वाली माँ हूं नहीं। यू आर फिनिश्ड। राजा। हाँ? एक लड़की को उस कंडीशन में दो लोग ही देख सकते हैं, पहली माँ होती है और दूसरा पति। हाँ, I love you राजा। देखो, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, एक औरत हूँ ये भूलकर मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, लेकिन मैं हार गई। I love you राजा, I love you। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो ये फूल लेकर मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू। मैं पैदा हुई थी 7/7/1982, टोटल नंबर 7। माय लकी नंबर इज 7। टुमारो इज जुलाई 7th, माय बर्थडे। इतने साल धूमधाम से मम्मी के साथ सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस साल तुम्हारे साथ सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। कल मॉर्निंग में 10 बजे नंदी पहाड़ के टेंपल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम दोनों में से जो भी 10 बजे के 7 सेकंड पहले आएगा, मतलब उसका प्यार ज्यादा है। ओके। देखा ना राजा, मैं यहाँ तुमसे पहले आ गई, इसका मतलब मेरा प्यार तुमसे ज्यादा है। Oh my God! Oh, amazing, Raja! Amazing! Raja! Oh my God!
दस बजने से 7 सेकंड पहले जो यहाँ पर आएगा उसका प्यार ज्यादा होगा, ऐसे तुमने कहा था ना। लेकिन सिर्फ 7 सेकंड नहीं, जिस सेकंड तुमने कहा था तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब बोलो किसको किससे प्यार ज्यादा है। क्यों, क्या हुआ? मेरी रिंग गिर गई। अरे बस इतनी सी बात, नहीं दिलवा दूंगा। ऐसा नहीं है, वो मेरी मम्मी ने प्यार से दी थी मुझे। ओह, उस रिंग के साथ सेंटिमेंट है ना? डोंट वरी। Yes, मिल गई। हाँ, you are here, your ring. Wow, thank you. What is the next program? राजा, पता है last year बिल्कुल इसी जगह पर मेरे और मेरी मम्मी के बीच एक bet लगी थी। क्या थी वो? यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एस्टेट है। 7 मिनट में मुझे वहाँ जाकर वापस आना है, ऐसी मम्मी के साथ bet लगी थी और मैं जाकर आ गई। क्या 7 किलोमीटर जाने के लिए 7 मिनट चाहिए? तो फिर मैं उससे भी कम टाइम में जाकर आ जाऊंगा। कैसे? 7 मिनट में से 72 सेकंड माइनस कर दो, इसके बाद उसमें 22 सेकंड ऐड करो तो 370 सेकंड होंगे, मतलब 6 मिनट 10 सेकंड होंगे। That is 6 plus 1 is 7, your lucky number. Well, I can do it. Challenge. All the best. Thank you. Time starts now. Bye. My lucky number is 7, but you will go to heaven. You? Hey idiot, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा नाम ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मुझे अगर नहीं मिली तो किसी और के भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। ऐसा कर दूंगा। नो लव, नो मैरिज, स्टे हनीमून। छोड़ो मुझे। नो, आजा आजा। Thank you.
भगवान बहुत बड़ा है, अच्छे लोगों को तकलीफ में सहारा देता है और बुरे लोगों को सुख में भी तकलीफ देता है। तुमने बोला था कि तुम्हारा लकी नंबर 7 है। अगर 7 सेकंड मुझे देर हो जाती तो तुम इस जन्म में मंगलसूत्र पहनकर अपने पति के साथ चलने का मौका खो देती। तुमने जब बेट लगाई थी तभी मुझे शक हुआ था कि यह तुम्हारा कोई प्लान है, लेकिन मेरी जान पे बनाई गया ऐसा नहीं सोचा था मैंने। इट्स ओके। अरे रो क्यों रही हो? देखो, दूसरों का बुरा सोचोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। गुड बाय राजा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखो, पहली बार धोखा खाने वाले को बेवकूफ कहते हैं, दूसरी बार धोखा खाने वाले को पागल कहते हैं और तीसरी बार धोखा खाने वाले को ना समझ कहते हैं। मुझे ना समझ बनना पसंद नहीं। चलता हूं। छोड़ो, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। छोड़ो राजा। नहीं, तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जीना पड़ेगा। सॉरी राजा, आई एम वेरी सॉरी। आई लव यू राजा, आई लव यू राजा, लव यू। कोई बात। हेलो, मैं हूँ बेटी, तेरा मामा। कैसे है मामा जी? मुझे क्या होगा बेटी, मालिनी देवी के घर का खाना और जब चाहे सोना, इसलिए मेरा पेट तो एक ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। भैया, मैं भी बात करना चाहती हूँ। बेटी जरा एक मिनट, मम्मी बात करेगी। हाँ हाँ रानी। हाय मामी, हाउ आर यू? फाइन फाइन, वेरी गुड। आखिरकार तुम्हारा स्वयंवर हो ही गया। भारत के कोने कोने से ढूंढ कर हमारी योग्यता के हिसाब से और तेरे लेवल के 10 लड़कों को सिलेक्ट किया है बेटी। तू एक बार यहाँ आकर टॉप 10 लड़कों में से एक को चुन लेगी तो अच्छा रहेगा। टॉप 10? सॉरी मामी, आपके सिलेक्शन में टॉप 10 लड़के हैं, लेकिन उन सब के ऊपर जो है उसे आपने नहीं देखा। क्या कहा, इनके ऊपर भी एक है, वो अच्छा तो है ना? हाँ मामी, वो बहुत अच्छा है। He's one and all in one. Made in India, trade in London. We are made for each other, mommy. ऐसे हीरे को तुमने सिलेक्ट किया है? बहुत खुशी हुई बेटी। वो कौन है बेटी? मैडम, 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 भैया, 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 रानी बात नहीं कर रही। हेलो, हेलो रानी, हेलो। अरे बात क्यों नहीं कर रही है बेटी? मैडम अचानक से बेहोश होकर गिर गई। क्या हुआ भैया? वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। ए ड्राइवर, जल्दी से कार निकाल। चलो चलो चलो। रानी, डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, इसलिए मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती। आई एम सॉरी।
डॉक्टर डॉक्टर Oh my God! She got an attack. Attack? Huh? Love attack. Heart attack तो सुना था, ये love attack क्या होता है? शह! तुम जैसे गुजरे हुए केस, retired person को ये बात समझ में नहीं आएगी. This is irregular. करोड़ों में से किसी एक को ही ऐसा अटैक आता है. This is love attack. हमारे प्राचीन हिंदू पुराण में दुष्यंत महाराजा शकुंतला को छोड़कर गए थे, तब उसे ऐसा ही अटैक आया था. अभी अभी इसे भी वही अटैक आया है. फिर डॉक्टर मेरी बेटी. राजा I can hear only राजा. राजा हाँ, इस लव अटैक का कारण है राजा. हाँ, वो राजा इसके दिल में फंस गया है. इसके लीवर में, किडनी में, खून के कतरे में, बॉडी के हर पार्ट में वो समा गया है राजा. राजा ही डॉक्टर है, राजा ही मेडिसिन है. अगर उसकी एक आवाज इसके कान में पड़ गई, तो ये लव अटैक कंप्लीटली चला जाएगा. रे 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 रे, लगता है बच्ची को गर्मी ज्यादा लगने की वजह से बहुत सारी भाप निकल रही है. क्या ये जिंदा बच पाएगी? गलती हो गई. मैं हूँ ना, मैं इसके कान में डिंग डिंग ऐसा मंत्र कहूंगी, लेकिन वो सिर्फ एक घंटे तक ही काम करेगा. इस बीच आप इसे राजा के पास ले जाइए. छटमटे छटमटे टक दिन टक दिन टक टिक टक टक डिंग डिंग डंग. हाँ, हुआ दे राजा. हाँ राजा. राजा राजा बाबू, उस दिन तुम्हारी याद में ये बेहोश हो गई थी और अब तुम्हारी आवाज सुन के होश में आ गई है. डॉक्टर ने जो कहा वो सच हुआ. ओह माय गॉड, कौन ये लोग? ओह माय मम्मी, मम्मीज ब्रदर एंड ही इज माय ब्रदर. नमस्ते. व्हाट, ये लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं? यस. सॉरी टू टेल यू दिस डार्लिंग, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर के बाहर बैठे. माँ जी, भगवान के नाम पे बाबा, भगवान के नाम पे. अरे बाबूजी, हमें इतनी बुरी नजर से मत देखिए, हम भी अच्छे लोग हैं. सिर्फ पेट बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड कैसा है? अरे हम भी बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रांग हैं. मेरी बहन की 500 एकड़ की उपजाऊ जमीन है. 5000 नारियल के पेड़ हैं. 5000 पपीते के पेड़ हैं. 5000 अनार के भी पेड़ हैं. इतनी जमीन है कि अगर आप सुबह देखना शुरू करो तो कई दिन तक आप देखते ही रहोगे. इतना ही नहीं, 5000 मुर्गियां भी हैं. 50 करोड़ की जायदाद है. मम्मी का लकी नंबर 5 है और बेटी का 7. इतना ही नहीं, 5 करोड़ का लेन देन भी चलता है, मतलब ब्याज का व्यापार भी चलता है लकी नंबर 3 के साथ. 3 मेरा लकी नंबर है. आपने मुझे पहचान लिया, आपकी जान का हो गया. व्हाट आर यू डूइंग पीछे? ओह गॉड, योर ब्रदर इज क्रेजी. या रानी, इतनी देर तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे. इतनी सारी तो लंदन में हमारे सर्वेंट्स के पास है. वेल, कमिंग टू माय प्रॉपर्टी, व्हाट शुड आई से? किस किस देश में कौन कौन सा बिजनेस है, क्या बोलूं, कितने करोड़ों का व्यापार है. वी हैव गॉट अ ग्लोबल ट्रांजैक्शन. क्या है क्या नहीं है क्या बताऊं? हाँ, इसीलिए बताना ही छोड़ दिया. आप बड़े हैं और रहेंगे, हम यहाँ पर क्यों आए हैं बताएं? मेरी बेटी के लिए top 10 लड़के चुने हैं, उनमें से number 1 को सिलेक्ट करके इसकी शादी करवाने का सोचा था, लेकिन मेरी रानी आपसे प्यार करती है, आप ही टॉप हैं, ये आपके बिना जी नहीं पाएगी ऐसा कहती है. अगर आप हाँ कर दे तो शादी तय करते हैं. लुक रानी, मैंने तुम्हारे प्यार को इमोशनली एक्सेप्ट किया होगा, ये मैं झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं घर पर आया तो सोचा
जन्म देने वाले माता पिता से बढ़कर ये प्यार है क्या? मम्मी हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो? लेवल मैच होना चाहिए ना? कल अगर मेरे डैडी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नो इट्स रॉन्ग। देखो जैसे तुमने अपने लेवल पर टॉप 10 सेलेक्ट किया है उसी तरह हमारे लेवल पर मेरे मम्मी डैडी टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जूलिया रॉबर्ट्स, जेनिफर लोपेज, केट विंसलेट, ये सब उस लिस्ट में है। रानी सॉरी आई कांट cheat my parents. No. Mummy, tell him. Mummy, I love him. Mummy, I can't live without him. Mummy, please tell him. I love you, Raja. शांत हो जाओ रानी। अरे अरे शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। अरे रानी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो बेटी। ओह माय गॉड, एक तरफ तो मेरे मम्मी डैडी हैं और दूसरी तरफ बात बात पर मेरे लिए अपनी जान देने वाली है। रानी आई नो यू लव मी ट्रूली, लेकिन ऐसे मेरे पेरेंट्स अपनाएंगे क्या? सभी घर में ऐसा ही होता है, लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है। घर वाले पहले मानते नहीं no. पर आखिर में मान जाते हैं। नो no. आपको मेरे डैडी के बारे में पता है? प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। तीसरे महीने में गर्भ, पांचवें महीने में उल्टियां और नौवें महीने में बच्ची की डिलीवरी हो जाती है, तभी उस बच्चे की फोटो स्कैन करके इंटरनेट से लंदन में आपके मम्मी डैडी को भिजवा देंगे तो वो लोग उसे इलाज करके देखेंगे और कहेंगे व्हाट अ क्यूट बेबी। उसी समय झट से पेपर में दे देंगे, डैडी ये बच्चा हमारे वंश का वारिस होगा। ओ माय गॉड, ये कैसी सिचुएशन है, हमें बताए बिना तुमने शादी कब कर ली? तभी मेरी रानी आकर कहेगी, ससुर जी इनकी कोई गलती नहीं है, ये आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब मैं सुसाइड करने गई तो इन्होंने त्याग करके मुझसे शादी कर ली, ऐसा रानी कहेगी। आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है राजा। अगर गलती से बच्चा ऐसा पैदा हो गया तो जी 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 आप भी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपका वंश इतना बड़ा है, रणधीर कट्टी की फैमिली में ऐसा वैसा बच्चा पैदा होगा क्या? अच्छा तुम कभी भी मुझे यहाँ पर टच करती हो। सॉरी डैड, एक की जान बचाने के लिए मैं आपके प्यार को ठुकरा रहा हूँ, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। आई शुड मैरी हर। राजा, रानी, राजा, रानी, राजा, रानी, आई लव यू राजा, आई लव यू रानी। क्या भैया आप भी छोटे बच्चों की तरह बॉल से खेल रहे हैं? खेल तो मेरी बेटी रानी और दामाद जी को खेलना चाहिए। अरे जल्दी बुला कर लाओ उन्हें। जस्ट गोइंग कमिंग फास्ट। मालकिन मालकिन छोटे मालिक भट्टी पे बैठ करके पी रहे हैं। अरे अरे क्या रहा है, दरवाजा जल्दी खोल। क्या बे, मैं बहुत ज्यादा पी कर आया हूँ, मैं अपने हाथों से डोर ओपन नहीं कर पाऊंगा तो तूने डोर ओपन किया ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा है? I'm steady. सासु माँ, good morning. क्या कबड्डी खेल रहे हैं? दामाजी, आप ऐसे गुलाटी मार रहे हो ना, तो लगा कि आपको संभाल लूँ मैं। जड़िया, don't touch me. दामाजी टाइट होकर आए, इसलिए तुम सब भाग कर आए ताकि ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस कर सके। साइड हट जा। मुझे पीने का शौक नहीं, फिर भी पिलाई चाहिए मुझे। ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह गुलाटी क्यों मार रहे हो? मार दिया। दामाद जी सुन सुन के मेरे कान फट गए हैं। ये सब क्या फुटबॉल का मैच है या फिर थ्रो बॉल कैच? इस सब को क्या इंडोर स्टेडियम समझ रखा है? ये सब क्या है? फ्लावर बॉल? ये सब क्या कर रहे हो राजा? आज हमारी शादी हुई है ना, बॉल का खेल खेलना होता है, इसलिए ये सब अरेंजमेंट किया है। हमारी फर्स्ट नाइट के लिए भी सारी तैयारियां की हैं। फर्स्ट नाइट? मुझसे पूछा था क्या, मेरा अपॉइंटमेंट लिया था क्या? मैंने कहा था लेकिन ये भूल गया। ये क्या है भैया? बैटरी चार्ज हो गई है बहन। लंदन। हाँ मम्मी, लंदन में फर्स्ट नाइट ऐसे ही मनाते हैं।
इसीलिए मैंने डैडी को बिना बताए शादी की, इसलिए 190 और मम्मी के लिए दूसरी 90 मतलब 180 यस हटो लिया डार्लिंग दामाद जी क्या हुआ थोड़ा एडजस्ट कर लो बहन दामाद जी शादी के लिए मुहूर्त होता है लेकिन फर्स्ट नाइट के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती सासू माँ मेरी परमिशन के बिना मुहूर्त फिक्स किया इसलिए आज का प्रोग्राम कैंसिल है जाड़िया मैं गिरूंगा पता होने के बाद मुझे पकड़ा क्यों नहीं पकड़ने जा रहा था तभी आपने कहा मोटे साइड हो जा मुझे पता है मेरा ये हेलो डैडी आई एम स्टडी तो मैं हूँ आपको नहीं डैड डैड हाउ इज मम्मी हाउ इज टाइगर टाइगर लायन लायन चीता एंड एलिफेंट फाइन डैड आई एम फाइन डैड व्हाट यस डैड आता हूँ डैड माय फादर इज कॉलिंग मी अरे अरे क्या राजा राजा लगा रखा है फर्स्ट डैडी नेक्स्ट यू एंड एवरीथिंग नाउ I go to London and coming after a month. Bye bye, everybody. जीजा जी. Already उनकी flight take off हो गई है. उन्हें take off हुए बहुत time हो गया है. Shut up. एवरीवन जय जवान जय किसान चार मीनार कुतुब मीनार अच्छे लोगों के लिए बुरा बुरे लोगों के लिए अच्छा हूं मैं ऐसा हूं मैं खूंखार शेर जंगल का राजा हे मैन कम हियर हे कीप मैन आई विल किल यू ये लो इसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल स्टडी सब पता चलना चाहिए कम टेल मी नहीं पता साहब बेस्ट फेलो आउट एवरीवन फॉलो मी या Hey boy, come here. क्या हुआ सर? ये कौन है पता है? पता है. कहाँ पे है? वहाँ है. वहाँ. पुलिस. या. जय सिम्हा, जय जवान, जय किसान. Follow me. Left, right. सर, ठीक है ना? This is searching style of जय सिम्हा. Sleep हो गया था इसलिए गिर गया था. Left, right. Search. Hey, कौन हो तुम लोग ऐसे कैसे घुसा है? Arrest him. Shut up. Straight. Attention. Hands closed. Move on. क्या है ये? बटन. ये क्या है? शर्ट है. खाकी शर्ट. फिर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ. वॉचमैन होंगे. एसपी. एसपी बाला सुब्रमण्यम. आशीर्वाद दीजिए सर. आशीर्वाद दीजिए. वो गाते हैं. मैं बजाता हूँ. जय सिम्हा. एसपी जय सिम्हा. पुलिस इस घर में क्या कर रही है? चूहे को देखकर बिल्ली आती है. हड्डी को देखकर कुत्ता आता है. फल को देखकर बंदर आता है. चोर को ढूंढने के लिए पुलिस आती है. कमान अटैक अरेस्ट हिम. अरे 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 क्या था ये? उठ जाओ. तुम्हें लगा मैं गिर गया? नो. दिस इज सर्चिंग स्टाइल ऑफ जय सिम्हा. चोर सोफा के नीचे छिपा होगा ये देखने के लिए मैं नीचे झुका था. ये क्या है भैया? पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए हैं? Hey, you shut up, shut up. ये कौन है? कौन है ये? इस फेस कट को मैंने कहीं देखा है? कमान रिमाइंड याद आ गया. ये है चंडी चामुंडी. यस चंडी चामुंडी. ये वो सिनेमा आर्टिस्ट जयमाला नहीं है. ये मेरी बहन मालिनी देवी है और इस घर की मालकिन है. समझा क्या? क्या भैया ये पागल की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बहन
लगता है इसको किसी पागल डॉगी ने काटा है। मूसलाधार बारिश में बिजली कड़कने से इसका दिमाग खराब हो गया होगा। इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया होगा, लेकिन जब सारी नर्स सो रही होंगी तो ये किसी की ड्रेस पहनकर यहाँ चला आया। बस यही तो बात है। इस फेस कट को देखकर तुम्हें शक होगा, ये गारंटी है 100%। बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम SP जय सिम्हा। वो बहुत बड़ा चोर उचक्का हमारी आंखों में धूल झोंक कर जेल से भागकर इसी घर में आकर के छिपा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पक्की मिली है। आई विल कैच हिम। सिम सिम, यू सी मैन, यू सी। मैंने और इन्होंने देख लिया, तुम देखना चाहते हो, ये देखो। कम टू द पॉइंट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सभी लोग फ्रीज क्यों हो गए? यस, ये है एक इंटरनेशनल फ्रॉड। नाम है राजा, गुंडों का राजा, उसी को मैं अरेस्ट करने आया हूँ। उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। कमान कमान कमान, टेल मी 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 टेल मी। पागल, उसे घसीट कर ले जाने के लिए क्या वो कोई डॉगी है? वो इस मालिनी देवी का दामाद है। सुनो, इज्जत से यहाँ से चले जाओ। आउट आउट। मिल गया, मिल गया। जय जवान जय किसान, अरेस्ट हिम। यू चीटर, गेट अप चेंज करके यहाँ बैठा हुआ है। हैं? मूंछ निकालने के बाद क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? अभी बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ, अभी तेरी मूंछ बनाता हूँ। दिस इज योर ओरिजिनल केचप। यस, ये वही है, वो यही है। दिस इज नॉट अ डबल रोल, दिस इज पक्का क्लियर कैरेक्टर। शट अप, डोंट टॉक रबिश। अपनी खाकी वर्दी करो, यहाँ मत झाड़ो, गेट आउट। हेलो मैडम। ए इंस्पेक्टर, जो नहीं है अगर तुमने वो बोला तो तुम पर मानहानि का केस दायर करके उसी चेन से तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊंगी। सुनो, ये अभी इस घर में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है। हाँ, वो खुद की फ्लाइट से लंदन गया है। लंदन जाए या फिर पेरिस जाए, जब भी वो अपनी बीवी के लिए इस घर में लौट कर आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे देनी होगी। नो प्रॉब्लम, अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं इस घर के आसपास घूमता ही रहूंगा। आई विल कैच हिम। जय जवान जय किसान। मेरा दामाद राजकुमार है, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला वो कहाँ, और ये 420 कहाँ? इंडिया में सोना और लंदन में जागना, अमेरिका में खाना, ये तो अमीरों के लक्षण है ना भैया। उनके बंगले में पोछा लगाने वाली नौकरानियाँ भी ऐसी रेशमी साड़ियाँ ही पहनती हैं। हाँ, देखना मेरा दामाद फ्लाइट में बैठ कर प्रिंस की तरह उतरेगा। ऊपर ले लो। चोर 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 कहाँ चोर कहाँ 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 चोर चोर कहाँ हाँ हाँ हे कबड्डी खेल रहा है क्या तू? नहीं छम्मक। हे मुझे ऊपर घुटन सी हो रही थी इसलिए मैं नीचे आया, तो तुम लोग ये खेल खेल रहे हो? सारी पुलिस चली गई सासुमा। सासुमा और नहीं तो क्या, सासुमा को सासुमा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, गधा कहेंगे है ना डाले। अरे रे, शादी के बाद पति से पूछती हो कि कौन हो तुम, मेरी शना। यो, अभी पुलिस आकर जिस 420 का बायोडेटा बता कर गई है ना, वो श्रीमान 420 मैं हूँ, राजा तुम्हारा दामाद उर्फ राउडी दामाद। मैं ये नहीं मान सकती। तू झूठ बोल रहा है। ऐसे बोलोगे तो मेरी बहन को हार्ट अटैक और रानी का हार्ट प्रेशर कुकर की तरह धड़केगा। सुनो, मजाक मत करो, अगर गलती से भी पुलिस को शक हो गया तो वो तुम्हें उठा कर ले जाएगी, फिर हम क्या करेंगे गुरु? नो चांस जड़िया, मुझे वो उठा कर न ले जाए, इसलिए मैं ऐसी सेफ जगह पर आया हूँ। इसका मतलब वो सच कह रहा था। फिर से सीरियल के रिकैप की तरह बोलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, गधा कहीं का। हाँ? मतलब तू लंदन रिटर्न। हाँ? तेरे पिता राव बहादुर रणधीर कट्टी। हाँ, वो ओरिजिनल है। मैं ड्यूप्लीकेट। पुलिस की तकलीफ से मैं कैसे बचूं ये सोच रहा था, तभी मेरी तरह दिखने वाला एक शख्स मेरी नजर में आया। भारी था, जरूरत से ज्यादा जायदाद थी उसके पास। वो
अर्जेंट काम से लंदन चला गया। मैं उसकी जगह पर क्यों ना रहूं, इसलिए उसके बाद जो भी हुआ एक लंबी कहानी है। यू चीट, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे रे 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 रे, मैं क्या तेरे पीछे पड़ा था कि मुझसे प्यार कर, मेरे साथ डुएट गा, मेरे साथ शादी कर, ऐसा मैंने कहा था क्या? तूने ही मेरे साथ बैठ लगाई थी, मैंने थोड़ी बहुत नाटक की और तुझे पटा लिया बस। इसके बाद तुम सब आए और तुमने शादी करवा दी और उसके बाद तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा बैकग्राउंड पता चला। और इतना ही नहीं, ऐसी सासू माँ, आ हा हा हा, ओह हो, इस उम्र में भी इनकी जवानी देखते ही बनती, क्या ग्लैमरस है ये। और तुम्हारी बेटी वानखेड़े स्टेडियम की पिच की तरह, जिसपे छक्के छक्के लगते हैं। ऐसा मौका मैं क्यों छोड़ू, ये सोचकर परमानेंटली इस घर का दामाद बनकर डिसेंट बनकर सेटल हो गए। तेरी पर्सनालिटी में डिसेंसी, गले में ये ब्लेड पहनी है, अरे तू कैसे सुधर सकता है। सासु माँ ये गलती मत करना, इस राउडी का भी एक लॉजिक है कि कानून नाम की कोई चीज होती है। उस दिन तुम सब ने मिलकर मुझे फर्स्ट नाइट के लिए जा 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 कहा था, मैं गया नहीं, क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैं गलती से चला जाता हो जाता फिनिश, सब कुछ हो जाता। फिर भी मैंने एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव किया, जो हुआ हो गया। आज मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, ये तुम लोगों को पता चल गई। अब मैं फर्स्ट नाइट के लिए रेडी हूँ, नहाकर स्टाइल में आता हूँ, तुम लोग सारी तैयारी करके रखो। तू एक 420 नकारा लो क्लास फुटपाथ वाला, तेरे साथ मेरी बेटी की फर्स्ट नाइट होगी? भैया जल्दी पुलिस को फोन करो, पुलिस वाले आकर इसे फिर से उठा कर ले जाएंगे। अरे रे रे फोन रे करो। रे, सासू माँ पुलिस को फोन करवाओगी, करवाइए। रंबापुरा की मालिनी देवी के सिलेक्ट किए टॉप 10 के टॉप में कमिंग फ्रॉम लंदन दामाद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, 420 है, चोर है, ये गाँव वालों को पता चलेगा तो किसकी इज्जत जाएगी, तुम्हारी ना? ना ना ना, मुझे छोड़ दो सासू माँ, ये जेल वेल मेरे लिए बहुत ही मामूली है, लेकिन इस बेइज्जती के साथ क्या तुम जी पाओगी सासू माँ, जरा ये सोच लीजिए, अभी सोच लीजिए। पुलिस वालों को बुलाओगी या मुझे दामाद के रूप में अपनाओगी? भले ही तुम अपने आप को इस घर का दामाद कह लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। शाबाश बेटी, तू देखता रह, तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की शादी नहीं करवाई और तुझे इस घर से लात मार कर नहीं निकाला तो मेरा नाम मालिनी देवी नहीं, समझ गया लोफर? अरे वाह क्या डायलॉग है, सिर्फ तेरे में ही कोलेस्ट्रॉल है ऐसा सोचा था, लेकिन तुम्हारे शरीर में भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है हो गई थी। और इसमें भी है, सारा पिघलाऊंगा, उधर देखो। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात, क्या बात क्या बात, कमाल हो गया। कौन है तू और क्यों चिल्ला रही है? देखने में तो पूरी कांडी जैसी है, तोड़ के दांत साफ कर लूंगा, हो जा होशियार और बंद कर तेरा बेसुरा गाना। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात, क्यों बे मोटे मुझे बेसुरी कहता है? कल से मैं तुझे तनख्वाह दूंगी और मैं ही तुझे खाना खिलाऊंगी, समझा क्या? अरे क्या कर रही है? डॉगी है पता ना, डॉगी की तरह रहना पड़ेगा तुझे, तेरी तो चल जाना रे तू इधर से। मैं जाऊँ? निकल चल निकल। है, मैं जाऊँ? ससुमा कत्तक के साथ प्रणाम स्वीकार करो, ससुमा मेरी पैर पड़ती हो। मैं क्यों तुझे आशीर्वाद दूँ, मेरे पैरों पर क्यों गिर रही है? ससुमा ये हुई ना ताली बजाने वाली बात, ये लीजिए और अब दे दीजिए मुझे आपका आशीर्वाद, सब ठीक हो जाएगा। कितनी दूर से आई हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। अरे मैं क्यों तुझे आशीर्वाद दूँ? अरे क्यों दे बोले तो, माँ बाप ने सिखाया नहीं छोटे को आशीर्वाद देना? तुम्हारे सामने 18 साल की जवान लड़की खड़ी है। मंगलसूत्र किधर गया? ये निकल रहा है, ये रहा देखिए, हल्दी का धागा है क्या? ये सब पहन कर कौन आता है? कोई बहू? अब भी समझे ना, इतने बड़े घर की एक लौती बहू आई है, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बहू आई है? तू कौन से गाँव की बहू है? या बाहर आ रे, कब तक अंदर ही बैठा रहेगा, बाहर आ। अरे ओ भांजे, ये क्या कल की अवतार बना रखा है? गलती से मिस्टेक हो गई। आप लोग हमेशा मुझ पे शक करते थे कि तू मर्द है तू मर्द है, तो मुझे भी शक होने लगा था। और आज अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने ये शादी रचाई है।
जब मैंने ऐसा एक साउंड सुना, मैं साउंड के पीछे गया, तब हाथ में चाकू छुरी लिए इसके लोग मेरे चारों तरफ खड़े हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कुंवारी लड़की को अकेले पाकर तू उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता है, अब इसे शादी कौन करेगा? ऐसा सुनकर मैं बहुत डर गया। उन्होंने बोला, या तो इस लड़की के गले में धागा बांधे या तेरे गले में रस्सी बांध के तुझे पेड़ से हम लटका देंगे। थोड़ा हटो मामा जी, बस इतनी सी है मेरी लव स्टोरी, मैं बस जिस्म हूँ और ये मेरी जान है मामा जी। मारने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे कीचड़ में पत्थर मारकर क्यों कीचड़ को अपने मुंह पर उछाल रही हो? ये पहले स्लम क्लास के लो क्लास लो। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। स्लम वाले किसको बोलता है? क्लास की बात क्या करता है? सिर्फ यही इंसान है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? तेरे घर में जो कचरा होता है ना, वो अगर हम जैसे लोग उठाएंगे नहीं ना, तो एक दिन के अंदर बदबू आएगी तेरे महल से। समझा क्या? बात समझ में आई तेरी? हाय बाप रे बाप रे। सासू माँ, मेरा मैटर तो अंदर खत्म हो गया, ओके, लेकिन ये मैटर तो रोड पे आ गया है और आसपास के लोग जमा हो गए हैं। आपकी इज्जत का तो भजिया पाव बन गया है। तूने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उसी दिन मेरी मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो गई है। अब बाकी और क्या बचा है? ये है ना, वाह, ताली बजाने वाली बात कही है तूने। सुनो बहन, दामाद जी ने जो कहा है वो भी सही है। अगर वो हमारे घर की इज्जत के बारे में सोच सकते हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए ना। समझ गई क्या? एक बार पुलिस वाले इस मैटर की वजह से अंदर आ चुके हैं ना, अभी इस बात पर गांव वाले पंचायत करेंगे, जिससे हमारी बची खुची मानव मर्यादा भी चली जाएगी। इससे तो अच्छा है कि इन्हें अंदर ले लो, बाद में अंदर ले जाके इनको अच्छी तरह चटनी की तरह पीसेंगे। क्या इस तरह से सीधे अंदर जा रहा है? बेटी की शादी देखने का तो इसको भाग्य में नहीं लिखा था। गृह प्रवेश करके कम से कम रसम तो अच्छी तरह से निभा ले। वाह, क्या बात बोली है। क्या करना है तेरे लिए? ए, इतना भी नहीं पता? इधर गेहूं रखो, गुड़ रखो, उसको लात मार के उसके बाद इच में अंदर आएगी। हाँ राइट, तेरी जैसी को ये भी चाहिए? चुपचाप अंदर आ जा। ए, मैं नहीं आऊंगी, नहीं नहीं आना है तो वही पड़ी है। अगर लात मारे बगैर अंदर आएगी ना। एक मिनट, एक सिर चावल और गुड़ के ढेले की वजह से सास और बहू में ऐसा दंगल हो रहा है? तू बिल्कुल मत डर, मैं सारी व्यवस्था करूंगा। अब शांता माँ, एक से चावल और गुड़ का थैला लेके जल्दी आओ। हाँ, इतने बड़े घर में कोई तो है मेरी तरफ से बोलने वाला? भगवान तेरे को पांच बीवी देगा। थैंक यू। ये लो। चलो बहन, अब तेरी इच्छा पूरी कर ले। तेरे को जिस स्टाइल में भी लात मारने का मन कर रहा है ना, उसी स्टाइल में लात मार के अंदर जा। मेरे को ऐसी इच्छा है कि स्लो मोशन में लात मारेगी मैं। हाँ तो मारना सासू माँ, वॉच कम ऑन। सेटअप तो बहुत कमाल का है। ऐसा है क्या? ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ, नो फीलिंग, एंजॉय। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। जो मिला था तब हाई टेंशन करंट के जैसा था, अभी डायरेक्टली मिल गया है तो सिंगल फेज करंट जैसा हो गया। क्यों रे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझसे पहले मेरी बहन की शादी हुई है। हाँ? मेरा जीजा अच्छा है या बुरा ये तो पता नहीं, पर फिर भी उसने शादी की है। पर उनकी अभी तक फर्स्ट नाइट नहीं हुई है। और उन दोनों के मिलने से पहले हमें भी एक नहीं होना चाहिए। मतलब तेरी सिस्टर का लव अटैक होना चाहिए। हाँ? टेम्परेचर रेज होकर कोमा में जाना चाहिए। हाँ? तभी हमारा बर्दर जाकर उसको हिलाना चाहिए और छूना। हाँ? चाहिए, इतना ही ना। हाँ? हो गया, समझ लो। मेरा भी पैर फिसल गया था ना। हाँ। जाने दो, सोचो कि कुछ हुआ नहीं है। चलो अब जाके सो जाओ। ठीक है, जाके सोते चलो। You idiot! तुमसे कितनी बार मैंने कहा, ये छोटे मोटे आइडिया से कुछ काम नहीं बनने वाला, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखा ना, पूरा मैटर वापस रिवर्स गियर में पहुंच गया है। डोंट वरी डार्लिंगो,
आज किया हुआ हमारा प्लान डायरेक्ट अटैक का है। हाँ, इधर देखो। ये क्या है? कसक कसक गुली बेर। कसक गुली गुली? पार्वती माता का शिव भगवान के ऊपर प्यार आए ना, इसके लिए बड़े बड़े लोग ना इसी का रस निकाल कर पिलाते थे। वैसे ही हम लोग भी ना इस बेर का रस निकाल कर दोनों को पिलाएंगे, और जो रस बच जाएगा ना उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम दोनों भी पी लेंगे ना, उसके बाद देखना हो जाएगी ताली बजाने वाली बात। तुम बने। मेरा बेर का काढ़ा। अरे, इधर ही तो रखा था। कहाँ गायब हो गया? किधर चला गया? अब क्या बोल रही हैं? पतीली में रखा था ना छोटी वाली। अच्छा, वो इमली का बूटा। हाँ वही। तो सांभर में डाल दिया, टेबल पर रखा है, मैम साहब खाना खा रही है। मामी, सांभर बहुत टेस्टी बना है। कभी इतना अच्छा सांभर बना ही नहीं था। अरे बाप रे बाप। माँ और बेटी इतना जबरदस्त खाना खा रही हैं। आ गया मम्मी, जरा इस कार्टून के कपड़े तो देखिए। अच्छा नहीं है क्या? सर्कस के जोकर लग रहे हो। वो भी तुम्हारे जैसे इंसान ही है ना। चलिए मम्मी। खाना खत्म करके जाओ। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। सासु माँ खाना खाए बगैर ही चली गई। देख लिया सिस्टर, मेरे आते ही फरार हो गई दोनों। हाँ, ऐसा ही तो रहना चाहिए बर्दर, वरना कैसे चलेगा। क्या है वाह, सांभर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें कसक मिली है, रस मिला है, सांभर टेस्टी बना है। अच्छा ये अरे काम हो जाता हूं। आराम से आराम से। अरे बर्दर, ये क्या कर रहे हो? सिस्टर, तुम्हारा ब्रदर उस टाइप का नहीं है। हम दोनों को मिलाने का तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन कसक गुलगुली से बिल्कुल नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जब ये मुझे पति के रूप में स्वीकार करके मुझसे प्यार करेगी तभी बाकी के सारे काम होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अरे कैसी होगी ताली बजाने वाली बात? सुपर डायलॉग मारा है। मेरा ब्रदर जेंटलमैन और मेरी सिस्टर मेंटल वुमन। मेरा जो दामाद होगा वो हर क्षेत्र में टॉप पर होगा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन सब पर पानी फिर गया। मेरा दामाद एक गुंडा है, 420 है, फुटपाथ वाला है, साथ में एक स्लम बहू भी है, लो लेवल। मेरी मान मर्यादा सब चौपट हो गई। मैं क्यों जिंदा रहूं भैया? इतनी छोटी सी बात पर इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो बहन? सुनो, ये भाई इसलिए जिंदा है ताकि अपनी बहन की इज्जत की रक्षा कर सके। वो लोग इस घर में नहीं रहने चाहिए, यही चाहती हो ना? वो सिर्फ इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहिए। ऐ जल्दी जल्दी दे यार। ये ले सिस्टर, पी ले पी ले। और एक काट। अब बस दे दे यार, दे दे। सिस्टर ऐसे पीना चाहिए। अरे बाप रे बाप। पहली बार सासू माँ के खेत में नारियल पीने आए थे और तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। हाँ, जरा इंतजार करो, पी कर देते हैं तुम लोगों को। सिस्टर। बर्दर, दे ठीक से दे सबको। Oh!
स्लमर फुटपाथ क्या हुआ? किसी पागल डॉगी ने तुम्हें काट लिया या फिर रात की पीवी अभी तक उतरी नहीं है? बोलो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्या एक्टिंग है, किसकी है? सबको पीछे छोड़ दिया तूने तो जाड़िया। ये फुटपाथ और स्लम को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उन गुंडों को वहाँ नारियल के खेत पे हमारे ऊपर भेज दिया। ऐसी सोच तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की ही होती है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इस बड़े बंगले में पूरे शरीर पर सोना लाद कर और ये रेशमी साड़ी पहनकर और चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर कुछ नहीं होता सासुमा। अंदर अंदर से अच्छा ही होनी चाहिए। मम्मी के बारे में ऐसी थर्ड क्लास बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ मैं थर्ड क्लास हूँ, लो क्लास हूँ, लेकिन हम सबको मारने का प्लान बनाया तुम्हारी इस मम्मी ने। तो ये कौन सी क्लास की है? मैं नहीं मानती। नहीं मानती? आजा आजा, अब जरा अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कहो कि तुमने हमें मारने के लिए लोग नहीं भेजे थे। पैसे हैं तो कुछ भी कर सकती हो, किसी की जान भी ले सकती हो, ऐसे ही सोच रही हो ना? तुम्हारे पैसे किसी की जान बचा सकते हैं? तुम्हारे पैसे किसी की गई हुई इज्जत लौटा सकते हैं क्या? याद है ना उस दिन 8-10 लड़के तेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे? उस दिन तुझे इसी लो क्लास ने बचाया था। अगर उस दिन मैं सोच लेता कि तुझे इसी हाई क्लास को नहीं बचाना है तो तेरी इज्जत जो है ना बजियापा हो गई होती। नहीं, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि भारतीय लड़की की तरह अपने पति को अगर इज्जत देना चाहती है तू तो मेरे साथ चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। hey, पति के साथ जो रहती है ना उसी पत्नी को इज्जत मिलती है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ, चल चुपचाप। सर सर सर, नहीं मिला सर, दीवार फांद करके भाग गया सर। सिनेमा में जिस तरह पुलिस क्लाइमेक्स के बाद आती है ना, वैसे ही तुम चोर भागने के बाद आए हो। ऊपर से नाम क्या रखा है सिम्हा? यो शट अप मोटे, अगर वो आज भाग गया तो क्या हुआ, कल उसे मिलना ही मिलना है। उसके हाथ लगने तक ना मैं खाऊंगा ना सोऊंगा ना। 1 2 3 जय जवान आउट। ए, कौन है तुम लोग? ऐसे बजाते हुए घुसते चले आ रहे हो? वहीं रुक जाओ। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हारे बाप दादा का घर है क्या? किसने अंदर आने दिया? निकालो बाहर। तुझे तो मैं, मेरे दादा का घर नहीं है रे, मेरी बहन का घर है। वो पूछने वाला तू कौन है? भिकमंगा? ए, मुझे भिकमंगा कहती है, सूर्पनखा। ए, कौन है बे सूर्पनखा? सूर्पनखा तेरी माँ होगी, मोटे कहीं के। तू बहुत ही पतली है हिरन। ए, चुपचाप रास्ता छोड़। और नहीं छोड़ा तो तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बहन का मर्डर करने की सोच रहे हो ना तुम लोग, उसे बचाने आए। जैसे तुम्हारी बहन बहुत बड़ी एलिजाबेथ रानी है जो हम इसे मारेंगे। मैं देख लूंगी ना। ससुमा अंदर आएंगी जरा। hey, तू इसे अंदर क्यों बुला रही है? सिर्फ यही नहीं, मामा जी भी आएंगे। क्या कहा मामा? तू है ना, तुझे तो सारा फ्रंट शोरूम खाली हो जाएगा। ये ताली बजाने वाली बात। डाले ही अंदर। अरे बहन, अगर ये अंदर गया ना सारी वोटियां बाहर आ जाएंगी। चल अभी अंदर, अंदर चल चल चल।
क्या दिखा रहे हो? पिक्चर। कौन सा? मम्मी का पागल बेटा। इसकी तरह। जस्ट वेट एंड सी। दामाद एक गुंडा है, 420 से फुटपाथ वाला है, साथ में एक स्लम बहू भी है, लो लेवल, मेरी मान मर्यादा सब चौपट हो गई, मैं क्यों जिंदा रहूं भैया? वो सिर्फ इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहिए। यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतजार कर रहा था। अब देखना उनकी कहानी फिनिश। इसे कहते हैं असली ताली बजाने वाली बात। ये वीडियो ना पूरे मोहल्ले में 2-2 रुपए में बेच दूंगी ना, तो तुम लोग दोनों की इज्जत का ना फालूदा बन जाएगा, वो भी आइसक्रीम के साथ। उसके बाद ना घूम घूम के भी इज्जत विज्जत की बात करोगे ना तो कोई मानने वाला नहीं है। नहीं नहीं बेटी, मेरी बात सुनो। कुप्पम्मा, तुम्हारे घर वाले हमारे घर वाले हैं, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलकर ठीक ठाक रिश्ता निभाएंगे ना आपस में एक दूसरे के साथ, बहुत कड़ा कड़ा रिश्ता। मोटे, हमारे घर वाले बाहर खड़े हैं ना, तो अभी क्या करने का है? तेरे मेरे बीच में जो तो मेरे रूम में क्यों आए? मेरे पास कोई रूम नहीं है, अगर थोड़ा एडजस्ट करोगी तो इन फ्यूचर ये रूम मेरा हो जाएगा ना रानी। यू गेट आउट। नो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो तू चाहिए, तू चाहिए रानी, रानी मुझे तू चाहिए, मेरी बात तो सुनना, अरे तू चाहिए मुझे। रानी? अरे क्या हुआ बेटी, है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मेरे रूम में आ गया? ए तू रुक, तू क्या बता रही है, मैं खुद बताता हूँ ना। सुनो, जब से मैंने तुम्हारी बेटी को देखा मुझे वो पसंद आ गई है, इसीलिए मैं उसके रूम में गया। शादीशुदा लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं पता नहीं तुझे? शराब। क्यों? उसकी शादी हो गई है, ऐसा तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, उसे भी तो मानना चाहिए। अरे रे 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 रे, क्या बोला क्या बोला, एकदम ताली बजाने वाली बात बोल डाली रे तूने। अभी आई क्या तेरी बात समझ में कुछ? महारानी, अभी तक किसी ने मेरे पर हाथ नहीं डाला है, डालना है क्या? हिम्मत इच नहीं होगी काई को की मेरी शादी हुई ली, मंगलसूत्र पहने लाए, ये मेरा पति मेरे बाजू में खड़े लाए, इसको मैं हमेशा अपने साथ इच रखती है, तेरी तरह नहीं। शादी करके भी मायके में पड़े लिए माँ के घर पे, इधर इच बिस्तर लगा के रखा है, ऐसे खड़ी खड़ी देख रही है, समझ में कुछ नहीं आता क्या? तेरे को देख के पूरा गाँव विसल इच तो बजाएगा ना, आँख भी मारेगा, चांस मिलेगा तो लेके भाग भी जाएगा। बिल्कुल सही, लड़की को जवान होने तक माँ बाप के साथ रहना चाहिए और शादी के बाद उसके पति के साथ और बुढ़ापे तक बच्चों के साथ, लेकिन तू शादी के बाद भी अपने मायके में पड़ी हुई है। जीजा जी, जब आप हमारे झोपड़े में घुसे थे तो मैंने अपनी बहन की शादी आपसे करवाई ना, तो आज मैं आपकी बहन के रूम में घुसा हूँ, मेरी भी शादी करवा दो। और शादी के बाद उसके पति के साथ और बुढ़ापे तक बच्चों के साथ, लेकिन तू भारतीय लड़की की तरह शादीशुदा पति को इज्जत देना चाहती है, अगर तू तो चल मेरे साथ। हमारी आंखों के सामने मेरी बेटी के रूम में घुसकर उसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हम दोनों का जीकर क्या फायदा भैया? देख बहन, इन सब की वजह तू ही है भैया। हाँ बहन, तुम्हारे सेलेक्ट किए 10 लड़कों को छोड़कर तुम्हारी बेटी रानी ने जो सेलेक्ट किया कह करके किसी भी भिखारी को वो हमारे घर में उठा कर ले आई और उसे शादी करवा दी ना, यही वजह है कि ये सब हो रहा है। देखो अभी भी समय गया नहीं है, मैं जैसा बोलता हूँ अगर तुम वैसा करोगी तो इस खानदान की मान मर्यादा और गौरव सब कुछ बना रहेगा। क्या करना होगा भैया? रानी की दूसरी शादी करवा दो, वैसे भी टॉप 10 में से जो नंबर 1 लड़का है उसको तूने ही दिल से पसंद करके सेलेक्ट किया था ना, तो कल सुबह ही मैं उसे यहाँ बुलवा देता हूँ, रानी और उसकी शादी करवा देंगे। फूल भी है, फल भी है, कुमकुम के साथ रेशमी साड़ी भी रखी है, ये क्या सासुमा, हम लोग को बताया बिना ही कार्यक्रम रख दिया, क्या बात है बताऊँ? सब कुछ तुम्हें बताकर करना चाहिए, मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त है। दुल्हन साहिब आई आई आई, तुम्हारी मम्मी ने फ्रेशली नई शादी अरेंज की है। क्या? वो उधर बैठ
है तुम्हारा नया पीस होने वाला पति, और वो उसके बगल में जो बैठी ना वो शोकेश की तरह, वो है तुम्हारी सासुमा। ये सब क्या है मम्मी? रानी आज तुम्हारी शादी है बेटी। आखिर किससे पूछकर आपने ये शादी देखी है मम्मी? रानी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो कुछ भी करूँगी तुम्हारे भले के लिए ही करूँगी। हाँ बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो भी करेंगे उसमें तुम्हारी भलाई होगी। अरे बेटी के साथ क्या बात करो, चलो अब थाली बदलते हैं ना, चलो। चल बेटी। मामा बुढ़ापे में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। गले में मंगलसूत्र बंधा है और आप मेरी दूसरी शादी करवा रहे हैं। देख बेटी, इतने दिनों तक अपने गले में इस मंगलसूत्र को रख कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है, निकाल के फेंक दे इसे। मामा। भैया ये अभी तक छोटी बच्ची ही है, बिल्कुल ना समझ है। रानी मामा जैसा कह रहे हैं इसे निकाल कर फेंक दे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी सलामत रहे इसके लिए माँ भगवान से मन्नत मांगती है, मैंने देखा है, उपवास भी रखती है, भी देखा है। लेकिन पति के जिंदा होने के बाद भी अपनी बेटी का मंगलसूत्र निकाल कर दूसरे लड़के के गले में डलवाने वाली मम्मी आज और यहीं पर देखी है मैंने पहली बार। करोड़पति होने का नाटक करके एक औरत के गले में मंगलसूत्र बांधकर पुलिस से डर से भागा हुआ बेशर्मों की तरह यहाँ पड़े हुए एक इंसान को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जी हाँ सासू माँ, मैं फ्रॉड हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी का ख्याल न रख सकूँ ऐसा नालायक नहीं हूँ। तेरे साथ झूठा चाटने के लिए मेरी बेटी कोई भिखारी नहीं है, समझ गया ना? ये डायलॉग तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था सासू माँ, तुम्हारी बेटी को बोलना चाहिए। बोलेगी, जरूर बोल कर रहेगी। तेरी माँ का यहाँ अपमान हो रहा है और तू ऐसे क्या देख रही है? फेंक दे इसे। बजाने वाली बात। सासू माँ गले का मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर की कीमत तुम्हारे को क्या पता? पति किधर है ये भी तो मालूम नहीं है अभी तक तुम्हारे को। अरे सिस्टर, जब इतना सब कुछ है तो इन्हें पति की क्या जरूरत है? हाँ अगर पति नहीं चाहिए तो फिर गले का मंगलसूत्र काहे को चाहिए? निकालो निकालो। अरे निकालो, मैंने बोला ना। अब देखना अपनी मम्मी को जरा, वो अपना मंगलसूत्र तो नहीं निकाल रही लेकिन तुझे फेंकने के लिए बोल रही है। देख तुझे स्वाभिमानी पति नहीं चाहिए, जैसा तू कहे वैसा वो करे, अगर ऐसा गुलाम चाहिए तो गले में जो मंगलसूत्र पहना वो निकाल के फेंक दे। तेरी खूबसूरती की आस में, तेरी दौलत की आस में तेरी दूसरी शादी हो जाएगी, यही सब सोच रहे ना ये लोग। अगर तुझे भी ऐसे ही करना है तो मेरा मंगलसूत्र निकाल के फेंक दे और उस लोफर से शादी कर ले। चिल्ला मत वरना मुर्गी की तरह काट के फेंक दूंगा। होशियार। राजा चलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। रानी, बस 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 कर रहे, क्या बर्दर क्या देख रहे हो? निकलो निकलो निकलो, चलो 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 चलो। ओके सिस्टर। रानी रानी चलिए अपने राजा के साथ, अभी अपना गेटअप चेंज करो और इधर भी सब क्लीन करो। ए चलते फिरते डायनासोर, तू भी क्लीन करेगा? हाँ, डार्लिंग। ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा, ओ बल्ले बल्ले, याहू 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 याहू। अब क्या करे भैया? श्री वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। तुम भी पागल हो। वेलकम, जय जवान जय किसान, चार मीनार कुतुब मीनार। कौन है तुम लोग? खाना बहुत ही अच्छा था दादा।
हो गया ना, अभी जल्दी बनो। कहाँ जाऊँ दादा, अगर बाहर गया तो पुलिस परेशान करेगी। पुलिस से डर? ऐसा क्या गुनाह किया तुमने? मतलब पुलिस से डर कर भाग रहे हो? ठीक है तो चल छोटे भाई। जब एक डाकू वाल्मीकि ने रामायण लिखा उसमें इंसानियत नहीं थी, बेरहमी से लोगों को मारता था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने गलती नहीं की हो छोटे भाई। लेकिन सुन लो, जो अपनी गलतियों को मिटाकर अच्छाई से जिंदगी को चलाता है वही असली मनुष्य है। मैं तुझे एक नौकरी दे सकता हूँ अगर तू चाहता है। करूँगा दादा। जो मेहनत करेगा उसी को खाना मिलेगा। दादा इसको काम करने की आदत नहीं है। और हमें भी फोकट का खाना देने की आदत नहीं है। इसके बदले में मैं काम करूंगा ना दादा। ऐसा है तो उसके बदले तू ही खाना खा ले। दादा वो मैं काम करूंगा। सिर्फ कहने के लिए कहोगी तो हमारे लंदन में रहने वाले मालिक को बिल्कुल यकीन नहीं होगा। शाम को तुम दोनों आ करके एग्रीमेंट पे साइन कर देना, ठीक है? बहुत बड़े महल में रानी की तरह रहने वाली, नौकर चाकरों से सेवा करवाने वाली, नरम गद्दे पर सोने वाली और एसी में रहने वाली, और मैंने तुम्हें ऐसी जगह पर रखा है, इसलिए नाराज हो? ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की के लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती, पति का प्यार ही सब कुछ होता है। तुम अपने हाथों से खिला रहे हो, यही मेरे लिए किस्मत की बात है। ऐसी किस्मत हर लड़की के नसीब में होती है क्या? क्या ये हट गया? क्या हुआ बेबी? छे, इतनी जोर से मारने के बाद पूछता है क्या हुआ? मैंने मारा? नहीं मैंने नहीं मारा। तो कौन मारेगा? चल अभी सो जा। अब क्या हो गया? तुमने मारा मुझे? हा? 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 इतनी रात को मेरे को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? नींद आ रही है। भूत भूत तो नहीं है ना इधर? जब तक मम्मी मामा इस घर में, कोई भूत नहीं आ सकता। देखो एक काम करते हैं, हम अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं। आ जाओ तुम उधर, मैं इधर। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात, सुन जा। फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? एक दूंगा ना तो सारे झोपड़े गिर जाएंगे। ए इधर आ। साइज है ब्रह्मा की सृष्टि तो नहीं है, विश्वामित्र की सृष्टि लगती है ये। एक ब्लाउज के लिए 6 मीटर लगता होगा। ए तुम इधर चल, इस तरफ। इधर निकला सा, सच में जाना पड़ेगा क्यों? और नहीं तो क्या, इतना सब कुछ होने के बाद ये हमारा स्वागत थोड़ी ना करेंगे। देखो इसके पहले ये हमारी बेइज्जती करें, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। चलो आओ। सासुमा, सासुमा अपने जरा पैर उठाएंगी। क्यों? ओ, जाने से पहले पैर पढ़ना चाहती हो? ठीक है, होशियार है ना बहन, पाँव पकड़ने के बहाने पैर ना खींच ले ये कहीं। सासुमा खड़ी हो जाइए ना प्लीज। ओ, ओ, और नाटक क्यों? बैठ कर आशीर्वाद नहीं ले सकती? जल्दी करो ससुमा, थोड़ा सा टरन हो जाइए ना। दिशा सही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो एक स्टेप पीछे जाओ, जल्दी करो। आ ये
बजाने वाली बात। अरे अब ये क्या है, ये कौन सा कैसेट है? ए, ये ओरिजिनल है, तुमने जो जलाया वो डुप्लीकेट था, अभी दिखा। अरे नहीं देखनी हमें, अब कोई पिक्चर नहीं देखनी है। तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते, एक धुआं ना तो यहीं पर सो जाएगा। ए, कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे और सीधे। Excuse me? ये सब क्या है? अब आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए ये जायदाद, धन दौलत, ये हवेली आप मेरे नाम कर रही हो, ये इस कागज में लिखा हुआ है। जल्दी से इस पे साइन कर दो और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ और बची हुई उम्र शांति से वहाँ पर गुजारना। तू मेरा ही बेटा है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं होगा। ए, 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 साउंड सिस्टम का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया, नीचे करो। अगर ये कैसेट पुलिस में चला गया ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, 7 साल की जेल, सर पे पत्थर उठाना पड़ेगा। पत्थर फोड़ने पड़ेंगे। बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी ना, तो फिर सब कुछ इनके नाम करने की कैसे सोची तुमने? जायदाद से ज्यादा मान मर्यादा की कीमत है भैया। डार्लिंगो, सब ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट। आई आई आई, लेडीज क्लब। तुम्हारी औकात पे ये गेटअप अभी सूट नहीं करता। ड्रेस चेंज। अरे रे रे रे, ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। ससुमा, ये साड़ी मस्त है रे। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी डैडी भैया, बजाओ बजाओ बजाओ। ये बल्ले बल्ले बल्ले, शाबा शाबा शाबा, बल्ले बल्ले बल्ले। आप भी नाच नाच ना रे ससुमा, अरे आ जाओ, नाचने के दिन है, बल्ले बल्ले बल्ले। कहाँ हो डैडी? गाँव के पास रामदेव पहाड़ है ना, उधर ही है। वहाँ क्या कर रहे हो? तिलक तो नहीं लगाया लेकिन फुटपाथ पर ही हूँ, तो ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी आता हूँ डैडी। कौन था भैया? कौन है, क्यों है, किस लिए, ये सुनने के लिए क्यों बेचैन हो रही हो? वो आ जाएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ बहन। कहाँ भैया? अरे रे, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मंदिर के बाहर भिक्षाम देही कहकर भीख मांगनी पड़ेगी ना। हाँ? हाँ, भगवान ने सही समय पर थोड़ी बुद्धि दी है, पर इतना तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा घर बनाया है। बुढ़ापे के सहारे के लिए मैंने एक लड़की से शादी भी की थी और हम दोनों का एक बेटा भी है। हाँ, तेरे टॉप 10 में नंबर 1 जिसको सेलेक्ट किया था ना, वो वही है। यह मेरा बेटा रवि तेजा और यह मेरी बीवी आशा। उस दिन अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दी होती, हाँ, तो आज पालकी में बैठा कर आरती उतार कर तुम्हें घर ले जाती अपने। हाँ। और अभी तुमने अपनी पूरी जायदाद उन झोपड़पट्टी वालों को देकर खुद फुटपाथ पर आ गई हो, हम क्यों हेल्प करें तुम्हें? बेकार। बेटा देख, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ट्रेन चली गई है तो दूसरा स्टेशन देख लो ना। चल बेटा, चल गाड़ी स्टार्ट कर। चलो मैं चलता हूँ बहन। नहीं भैया, भैया मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर मत जाओ। पुरंदर दास का कीर्तन नहीं सुना क्या बहन? किसके लिए कौन, किसका संसार, पानी के ऊपर तैरने वाला सच नहीं होता है, जय हरी शिव हरी, ऐसा है किसका कौन है। जो भी हो, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना बहन, मैं चलता हूँ। मेरी बहन को ऐसी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी भगवान। चल बेटा, चल गाड़ी निकाल। बापरे 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 बाप, रंभापुरा के राजमहल की महारानी मालिनी देवी के शरीर पर कोई जेवर नहीं, रेशमी साड़ी नहीं है, कार नहीं, पैर है लेकिन चप्पल नहीं पैरों में। क्यों, बेटे और बहू ने भगा दिया क्या आपको? आपके साथ उस जाड़े को भी होना चाहिए था ना, उसने भी पल्ला झाड़ लिया क्या? सासुमा, नंगे आते हैं नंगे ही जाते हैं, आने जाने के बीच में जो समय है ना वो अंधेरा है, और यही जिंदगी है। बचे हुए 3 दिन में जायदाद मेरी है, महल मेरा है, गहने मेरे, ऐसा करके रिश्ते तोड़ देते हैं।
प्यार को खो देते हैं, विश्वास भी खो देते हैं, संबंध भी भूल जाते हैं और आखिर में सुख शांति भी खो देते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं क्या हूँ? एक राउडी 420 फुटपाथ पर रहने वाला, लेकिन आज अमीर घर का दामाद हूँ। लेकिन अभी राघवेंद्र स्टेट में कुली का काम करके तुम्हारी बेटी के साथ एकदम से खुश हूँ। लेकिन उस दिन जैसा था आज भी वैसा ही हूँ, नो चेंज। आपको इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर आप चाहें और आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ राघवेंद्र स्टेट में रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आपके बेटे और बहू से ज्यादा और उस जाड़े से भी ज्यादा अच्छी तरह रखूंगा। क्या कहती हैं आप? सुनो भाइयों सुनो, कल हमारे गांव का त्योहार है, उसके लिए इस गांव के मालिक लंदन से आने वाले हैं, इसलिए तुम सबकी कल छुट्टी है। साथ में नए कपड़े और बोनस भी देने वाले हैं। सब लोग गांव के त्योहार को मिलकर मनाएंगे। आप जैसा मालिक हमें मिला, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा। आप गांव के अध्यक्ष हो, लेकिन हम लोगों को बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और तकलीफ में हमारी मदद भी की। आप नौकर जरूर होंगे, लेकिन आपने मेरा सिंदूर बचाया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी किडनी मेरे पति को देकर इन्हें नया जीवन दिया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। देखो, तुमने जो उपकार हम पर किया है हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो मैंने सोचा ये प्यार और संबंध हमेशा बना रहे, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करवा कर कीमत चुकाना चाहता हूँ। शुभमस्तु। मैंने भी कितने लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं देखे, सच में। क्या हो गया गोपाल, तुम पर एक कंप्लेंट है? क्या है कि सर, पिग्बी कलेक्शन में से 1000 रुपए मैंने खुद के लिए यूज कर लिए थे। बैंक के पैसों को अपना पैसा समझ लिया है, बहुत लोगों की वजह से बना है, उनका विश्वास बनाए रखना होगा। ये लो, इन पैसों को बैंक में जमा कर दो और दोबारा ऐसा मत करना। मालिक, 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 बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ महादेव? राम के घर के सामने कुछ लोग लाठी डंडा लेकर के उसे मारने के लिए खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर नहीं आओगे तो तुम्हारे बीवी बच्चों को काट कर फेंक देंगे। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शांति शांति, क्या हुआ बताओ। मालिक, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हम मेहनत करके पेट काट के जो बीसी जमा करते थे, उस बीसी के पैसे इन लोगों ने हड़प लिए। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे मालिक, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तुम हमारे पैसे दिलवा दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काट कर बीसी में पैसे भरे थे हम लोगों ने। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो अपने बच्चों को भी कूली के काम में लगाना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके पैसे दिलवा दीजिए। पैसे आ जाएंगे तो अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, ऐसा सोचा था मालिक। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी मालिक, और फिर मुझे मेरी बेटी को कुएं में ढकेलना होगा मालिक। ऐसा करना पड़ेगा मालिक, ऐसा करना पड़ेगा। अगर तुम सबको मुझ पर भरोसा है तो अभी तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पैसे लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। राम भाई, क्या है ये सब? औरत को औरत की तरह ही रहना चाहिए। भाई बहन दोनों ने मिलकर बीसी के पैसे लिए हैं, आप इन्हें पुलिस में दे दीजिए। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? कितने दिन गरीबी में जिए मालिक, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अच्छे कपड़े देकर उनको 4 अच्छे लोगों में भेज सके और सर उठाकर समाज में जी सके, इसलिए मैंने मेरी बहन को बीसी के पैसे लेने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा धोखा होगा हमने सोचा नहीं था। मैसूर में एक मारवाड़ी को दिए था 10% पे, वो भी हमें धोखा देकर भाग गया। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, कोई कुआ या खाई ढूंढ दो हमें। तुम लोग हिम्मत रखो, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। ये लीजिए। ये जेवर बेचकर कितने पैसे मिलेंगे? हमें 10 लाख रुपए चाहिए। फिर रातों रात 10 लाख रुपए आएंगे कहां से? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। राम भाई। मालिक, ये लीजिए। लाओ दो बहन।
अरे नहीं नहीं, उठो उठो। You are under arrest, इंस्पेक्टर। आपने बैग में जमा पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए किया है। मैं अपने जमीनों के पेपर्स सिक्योरिटी के लिए लेकर जा रहा था। ऐसे यूज करने से पहले ये सब अरेंज करना चाहिए था आपको। ये सब क्या है? मैंने गलत कर दिया लक्ष्मी, बैंक के पैसों को उन्हें दे दिया। मालिनी, हाँ? मालिनी सुनो, लोग हमें मारे काटे हैं, कुछ भी करें सब चलेगा, लेकिन हम मालिक के पैसे बैंक में भरकर उन्हें वापस लेकर के आते हैं। मतलब हम लोग क्या लात खाकर मरे? जो गलती हमने की सजा उन्हें क्यों मिले? उन्हें जेल क्यों जाना चाहिए? हाँ देखो, चुपचाप वो पैसे मुझे दे दो। सुनिए जी, हमें लोगों के पैसे देने हैं ना। माला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। पैसे नहीं दे सकते जीजा जी। माला, आखिरी बार बोल रहा हूँ। आप उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो ना। पैसे नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते। कैसे इंसान हो तुम? नहीं, राक्षस है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे छोड़ो ना बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे। अरे शांत हो जाओ तुम। अरे रे, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें और बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगा वो? शाम को वापस आ जाएगा। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे, क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना तेरा भाई, मैं भगवान की तरह तेरे को देखूंगा। तू चिंता मत कर माला, अब हम लखपति बन गए हैं, लखपति। ये क्या बोल रहे हो भैया? हाँ बहन, मैंने जिस मारवाड़ी को ब्याज पर पैसे दिए थे ना, हाँ? वो बेचारा राजा गौड़ा को गलती का पछतावा हो रहा था, इसलिए वो 10 लाख रुपए लाकर उसने मुझे दे दिए। हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और वो भी आकर 10 लाख रुपए और दे गया, तो अब हमारे पास टोटल 20 लाख रुपए हो गए हैं। भैया, ये बात अगर उन्हें पता चल गई तो? अरे पगली, या तो ये बात तू बता सकती है या ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम दोनों में से कौन बताएगा? हाँ? बेचारा वो राजा गौड़ा की जमीन घर जो भी है वो सब बैंक वालों ने कब्जे में ले लिया, अब वो फुटपाथ पर है। उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती है क्या तू? नहीं भैया, ये अन्याय है भैया। अरे रे 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 रे, देख अगर तुझे अन्याय लग रहा है तो फिर एक काम करते हैं, उससे कर्जा लेकर आए हैं समझ ले, और हम अपना बिजनेस ठीक से जमाने के लिए ब्याज के साथ उसका पैसा उसको वापस कर देंगे। ऐसा सोचना बहन, जरा दिमाग लगा। अरे और कितने दिन पैर में हवाई चप्पल पहनकर रास्ते का गोबर उठाएगी और झोपड़े में जिंदगी गुजार देगी अपनी? मेरी बहन के बच्चे सूट बूट पहनकर कार में घूमने चाहिए, दीवार में गोबर थोपने वाली मेरी बहन बहुत बड़े घर की मालकिन बननी चाहिए ना। आपने हमें धोखा देकर हमारे सारे पैसे ले लिए, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरा जेल से छूटने तक इंतजार किया। उसके बाद हम दोनों ने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए, उन पैसों से हम फौरन गए और बड़े आदमी बन गए। अभी भी हम सब लोग विश्वास के साथ जीते हैं। लंदन में पले हुए ये इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद बचपन में जो हुआ वो ये कभी नहीं भूल पाए। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का घमंड तोड़ने के लिए ही ये और इसके दोस्तों ने मिलकर कभी स्लम वाले, कभी फुटपाथ वाले और कभी पुलिस वाले बनकर नाटक किया। जय जवान चार मीनार, कुतुब मीनार, हंकार शेर। ए ससमा, ये मैं ताली बजाने वाली बात। बल्ले 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 बल्ले। ओ याहू, ओ शवा शवा, ओ याहू याहू। मम्मी, असल में ये लोग आपको एक सीख देना चाहते थे, इसीलिए इनके नाटक में मैं भी शामिल हो गया। अरे बापरे 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 बाप। सासू माँ, अगर आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए तो मैं देता हूँ, ये लीजिए जायदाद के कागजात, रंग महल की मालकिन बनकर सिर्फ अकेले ही रहना। मालिक, मेरी भैया की बातें मानकर, पैसों की लालच में आकर मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। मुझे अब जीना नहीं है, मुझे माफ कर देना मालिक, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। Bachao! Bachao! Bachao!
बम फेंको। हमारे बॉस को मार रहा है, चलो। क्या वे सासू माँ और बेटी का कोलेस्ट्रॉल कम करके हैप्पी एंडिंग करने का सोचा था और तुम लोग बम मार कर विलेन की तरह एंट्री करने का सोचोगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? अगर अभी तेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं किया तो मेरे घर वाले फिर मुझे क्या कहेंगे बोला? इन्हें जीने का कोई हक नहीं। विश्वासघातियों को मारकर आप जेल क्यों जाना चाहते? हाँ मालिक, ऐसे लोगों को इन वफादार जानवरों से कटवाना चाहिए ताकि इनको सबक मिले। देख रहे हैं ना मालिक, सब चीजों का समाधान हो गया। एक्सक्यूज मी।